हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करने वाला हूँ एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। इसको मैंने बंद करवा दिया है, क्यों करवाया है उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगा। कैसे आप करवा सकते हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो ये कार्ड है वो मुझे एक्सिस बैंक के एंड से मिला था और रुपए क्रेडिट कार्ड है, लेकिन मैंने इसको बंद करवा दिया। बंद इसलिए करवा दिया क्योंकि ये चार्जेबल है। और एक कार्ड आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, जो कि जुपिटर रुपए क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, जो कि लाइफ टाइम फ्री है। तो वो अभी फिलहाल मेरे से थोड़ी दूरी पर है तो मैं उसे शायद नहीं उठा पाऊंगा। तो आपको बता दूँ कि वो लाइफ टाइम फ्री है। इस वजह से जो रीज़न था, एक तो ये था कि वो फ्री है, इस वजह से मैंने करवा दिया। और इस पे जो कैशबैक कहें या फिर जो बेनिफिट कहें, उसको शायद मैं सही से नहीं यूज़ कर पा रहा था, यही रीज़न भी है। तो आप क्रेडिट कार्ड आपके पास है और आप उसको सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसके बेनिफिट्स आप नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये रीज़न भी हो सकता है कई बार क्रेडिट कार्ड क्लोज करने का। और क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि जो ये चार्जेबल है, 500 रुपये प्लस GST मिला करके 590 रुपये शायद इसका चार्ज जो है वो था। और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड मेरे पास था, इस वजह से ये मुझे उसके बेस पे शायद मिला था शेयरिंग करके। उसकी लिमिट आपने देखा होगा आजकल मिल जाता है, तो उसकी वजह से ये मिला था। तो ये जो कार्ड है उसको मैंने क्लोज करवा दिया है क्योंकि चार्जेबल था। और इसका बेनिफिट भी, अगर पेट्रोल भरवाने की बात करें, क्योंकि इंडियन ऑयल था तो कहा जा रहा था कैशबैक भी मिलेगा, लेकिन घुमा फिरा करके उतना ही अमाउंट पड़ता था या उससे, जो इसमें वेवर मिलता था, फ्यूल सरचार्ज वेवर जो होता है, उससे ज़्यादा तो चार्ज ही लग जाता था। तो ये भी रीज़न था। और हो सकता है मुझे उसके बारे में और डिटेल में नहीं पता हो कि किस तरह से पेट्रोल पम्प पे इसको यूज़ करना है इंडियन ऑयल पर, लेकिन फिलहाल मुझे कोई बेनिफिट इस कार्ड से पर्सनली तो नहीं हुआ है। जब मैं इसको क्लोज करवा रहा था तो जो कस्टमर केयर के एंड पे बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि इसमें कुछ एज रिवार्ड पॉइंट्स मिले हैं, जो जिसकी वैल्यू शायद 400 या 500 थी और लगभग साल भर होने वाला है इसको यूज़ करते हुए। तो उतना यूज़ भी नहीं था कि मैं पेट्रोल पंप पे उतना सरचार्ज वेवर ले सकूँ और रिवार्ड पॉइंट जो है वो अर्न कर सकूँ। तो ये सब रीज़न है, घुमा फिरा के उतना अमाउंट मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था जिससे मुझे बेनिफिट हो सके। और एनुअल फीस जो इसकी है वो चार्जेबल थी और उसको मैं वेवर भी करा सकता था, यानी कि माफ भी करवा सकता था, बट उतना यूज ही नहीं, मैं उतना जो टारगेट होता है 1 लाख 1.5 लाख, तो उतना मैं यूज भी नहीं कर पा रहा था। अब बात करते हैं कि इसको बंद मैंने कैसे किया। तो यहाँ पर स्क्रीन देखिए, यहाँ पर एक नंबर आपको दिख रहा होगा जो कि टोल फ्री है एक्सिस बैंक का, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव को जैसे ही कॉल कनेक्ट हो जाए क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में, उनको आप कह दीजिए कि आपको जो कार्ड है उसको क्लोज कराना है। रीज़न आपका कोई भी हो सकता है, मेरा चार्जेबल प्लस इसको मैं अच्छे तरह से यूज़ नहीं कर पा रहा था, इस वजह से ये रीज़न था। और आपको इस नंबर पे कॉल करके आपको अपना रीज़न बताना है और आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रुपए क्रेडिट कार्ड जो इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड है वो मैंने क्लोज करवा दिया है। रुपए क्रेडिट कार्ड ये मेरे पास, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, दूसरा है। और एक और है जुपिटर रुपए क्रेडिट कार्ड, वो भी कंटिन्यू है। और कोटक का भी एक रुपए क्रेडिट कार्ड है, वो भी लाइफ टाइम फ्री है, वो कंटिन्यू है। तो ये अभी फिलहाल बंद करवा दिया है। प्रोसेस क्या है और क्यों, वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो इंस्टेंट अप्रूवल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड के, तो वो जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। @SareTimes नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर आ सकते हैं, वहां पर आपसे बातचीत हो सकती है। कुछ शेयर करना है या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सारे टाइम्स ब्लॉग्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल और है जहाँ पर आपको ब्लॉग देखने को मिल जाता है, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।